दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद दो अंक का कोई भी नंबर गुणा करने में आपको 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस एक कंडीशन है कि वीडियो अंत तक देखिएगा और जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 21 को 32 से गुणा करना है तो सबसे पहले यूनिट डिजिट पे जो नंबर है इकाई अंक पे उसको गुणा कर लीजिए। तो 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर आपको जो अंदर में जो नंबर है उसको आपस में गुणा करना है और फिर बाहर वाले नंबर को। बस यही चीज आपको यहाँ समझना है कि अंदर में यहाँ नंबर 3 और 1 है और बाहर में 2 और 2 है। इसको गुणा करके जोड़ देंगे तो जब इसको गुणा करके जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर उसको लिख दीजिए। उसके बाद जो टेंस डिजिट पे नंबर जो है उसको गुणा करके लिख दीजिए तो 3 दूना 6, आपको 672 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको 32 को मान लीजिए 12 से गुणा करना है तो पहले जो यूनिट डिजिट पे नंबर है उसको आपस में गुणा कीजिए तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर अंदर वाला कौन सा नंबर है यहाँ पे 2 और 1 तो इसको आपस में गुणा कीजिए तो 2 आ गया। और बाहर वाला नंबर क्या है 3 और 2 तो इसको आपस में गुणा कीजिए तो 6 आ गया। जब इसको जोड़ेंगे तो 8 आ गया, इसको लिख दीजिए। फिर जो टेंस डिजिट पे नंबर है उसको आपस में गुणा करके लिख दीजिए तो 3 और 1 को तो कितना 3 आ गया, आंसर इसका 384 हो गया। फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको 57 को 82 से गुणा करना है तो पहले यूनिट डिजिट पे क्या है 7 और 2 को गुणा करेंगे तो 14 आ गया। फिर आपको अंदर वाले नंबर को गुणा कीजिए और बाहर वाले को तो 56 और +10 कितना आ गया 66 आ गया। तो देखिए जब आप यूनिट डिजिट नंबर को गुणा किए हैं तो आपको 14 आया है तो उसका 1 हासिल आपको रखना पड़ेगा। अब 56 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 66 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 67। फिर 67 का आपको 6 जो है हासिल रखना है और टेंस डिजिट पे जो नंबर है उसको गुणा कीजिए तो 8 और 5 कितना हो गया 40 और उसमें हासिल को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 46, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको 46 को 53 से तो 6 को जब 3 से गुणा करेंगे 18 हासिल 1। फिर अंदर वाले नंबर को गुणा कीजिए और फिर बाहर वाले को तो 6 5 30 और 4 3 12, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42 और फिर 1 हासिल जो है उसको इसमें जोड़ना है तो 42 और 1 कितना आ जाएगा 43। फिर आपको हासिल 4 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है आपका कि टेंस डिजिट पे जो नंबर है उसको गुना करके उसमें हासिल जोड़ देना है तो 5 चौके 20 4 24 आंसर हो जाएगा। फिर 68 को 32 से तो 8 दूना 16 हासिल 1। फिर 8 3 24 6 दूना 12 इसको जब जोड़ेंगे तो 36 और इसमें हासिल 1 जोड़ दीजिए तो 37 और फिर 37 का हासिल आपको कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और फिर 6 3 18 उसमें हासिल जोड़ दीजिए तो 21 आ जाएगा। अब इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 78 को 87 से गुना करना है तो पहले जो यूनिट डिजिट पे नंबर है उसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 7 8 56, हासिल कितना आ गया 5 आ गया इसका। अब अंदर वाले नंबर को गुना करेंगे तो 64 आ गया, बाहर वाले को गुना करेंगे तो 49 आ गया। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 113 आएगा, 113 में 5 हमको जोड़ देना है जो हासिल आया था तो 118। अब यहाँ 118 में ध्यान दीजिएगा 8 आपको लिखना है और हासिल के रूप में पूरा 11 को रखना है। ऐसा नहीं कि 18 लिख दीजिएगा और हासिल 1 रखिएगा, तो 11 हासिल आ गया आपका यहाँ पे। और फिर 8 को 7 से गुना कीजिए जो टेंस डिजिट पे नंबर है तो 8 7 56 और उसमें हासिल को जोड़ दीजिए तो 11 आ जाएगा तो टोटल 67, 6 7 8 6 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको मान लीजिए 89 को 97 से करना है तो स्टेप 1 क्या है हम लोग का, यूनिट डिजिट पहले गुना कीजिए तो 9 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 63, तो 3 लिखेंगे और 6 मेरा कैरी हो गया। फिर अंदर वाले नंबर को गुना करेंगे तो 9 9 81, बाहर वाले नंबर को गुना करेंगे तो 56, जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा। अब 137 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 143, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 लिखना है और 14 को जो है हासिल रखना है। तो अब फिर आपको 9 को 8 से गुना कीजिए, थर्ड स्टेप क्यों, क्योंकि जो टेंस डिजिट पे है उसको लास्ट में गुना करना है आपस में तो 9 8 72। अब 72 में जब आप 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 86 आ जाएगा, तो आपको 8633 इसका आंसर हो गया।
उसी तरीके से 81 को 48 से, तो आपको स्टेप वन क्या है कि यूनिट डिजिट को गुना करना है, तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, फिर अंदर जो नंबर है उसको गुना कीजिए तो 41 4 हो जाएगा, फिर बाहर जो नंबर है उसको गुना कीजिए तो 8 हटे 64 हो गया, और जब इसको जोड़ेंगे तो 68, तो 68 में क्या 8 लिखेंगे और 6 अपना हासिल हो जाएगा। फिर जो टेंस डिजिट पे जो नंबर है उसको गुना करेंगे तो 8 और 4, 8 चौके 32, और इसमें 6 जो हासिल है उसको जोड़ देंगे तो 32 6 38 आ जाएगा, 3888 अपना आंसर हो जाएगा इसका। अब 47 को 32 से गुना करना है, तो इसमें जब यूनिट डिजिट को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 का 4 लिखेंगे 1 हासिल, फिर अंदर वाले नंबर को गुना कीजिए तो 7 3 21 और 4 2 8 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, 29 1 30 हो गया, और फिर आपको 4 और 3 को गुना करेंगे, 4 3 12 3 15, लास्ट क्वेश्चन है अपना 28 को 56 से गुना कीजिए, तो यहाँ आपको 6 को 8 से गुना करेंगे, यूनिट डिजिट वाला जो नंबर है तो 48 हो गया, हासिल इसका कितना 4 चला गया, फिर अंदर वाला नंबर को गुना कीजिए तो 8 5 40 और बाहर वाले नंबर को गुना कीजिए तो 6 2 12, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52, और 52 में 4 हासिल जो है उसको जोड़ेंगे तो 56, और लास्ट से स्टेप है अपना कि टेंस डिजिट जो दहाई अंक पे है उसको आपस में गुना करना है, तो टेंस डिजिट पे क्या है 5 और 2, तो 5 2 10, 10 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 1568 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।